मैं ये सोच रही हूँ क्यों ना मैं अपने उत्तम का गुरु पाठशाला स्कूल में जाके नाम लिखवा दूं। आज दिन से मेरे उत्तम पढ़ने के लिए स्कूल जाएंगे। इससे पहले मैं अपने उत्तम को बुलाती हूँ। इस बोतल में क्या है? चलिए ठीक है, मैं अपने उत्तम को बुलाती हूँ। बेलियो रेखा बढ़िया रे उत्तम रे, आपनो रे माँ हल में रे उत्तम रे, आपनो रे माँ हल में रे उत्तम रे, आज वही है रे हमारो अरे बाबुआ। अपनो महल सन रे, अपनो महल सन रे, वहां खींचना है। प्रणाम मां। खुश रहो खुश रहो। साउंड सर्विस, साउंड को थोड़ा इधर कर दीजिए, तब बोतल का मुन्ना खोल दीजिएगा। उत्तम हाँ मां, मैं इतना देर से आवाज लगा रही हूँ, तो इस समय कहाँ था और क्या कर रहा था? माँ मैं खेल रहा था माँ। देखो उत्तम, अब तुम बड़ा हो चुका है और मैं ये सोच रही हूँ क्यों ना अभी तुम मेरे साथ में यहाँ से गुरु पाठशाला चलो, तुम्हारा नाम एडमिशन करवा देती हूँ। आज दिन से तुम्हें पढ़ाई करने के लिए गुरु पाठशाला जाना होगा। नहीं माँ, मैं गुरु पाठशाला पढ़ने के लिए नहीं जाऊँगा माँ। क्यों? मैं जंगल शिकार खेलने के लिए जाऊंगा माँ। बताइए ये आप क्या कर रहे हैं? मेरा माइक का आवाज मत कम कीजिए और किसी का कम कर दीजिए। हेलो जी महाराणा जी। हाँ बोलिए। उत्तम को मारते मारते मार देंगे। क्यों इतना मारते हैं आप? बताइए अभी ढोरी का घाव नहीं छूटल है क्या? ये जंगल जाएंगे बताइए। छूट गया है ना ढोरी? रातियों खून गिर रहा। हाँ भाई उत्तम कुमार, हाँ मंत्री भैया, इस समय तुम्हारे भाई जो भी सब जा रहे बिल्कुल सही सब जा रहे हैं। माँ की बात मान लो और चलो स्कूल में नाम लिखाएंगे, पढ़ाई के लिखाएंगे, मोटका सर बनाएंगे। पढ़ने लिखने के बाद क्या बनता है? आपको ज्ञान नहीं है? ज्ञान है। पढ़ने लिखने के बाद आदमी ऑफिसर बनते हैं, अफसर ना, पीएम बनते हैं, सीएम बनते हैं, डीएम बनते हैं, अफसर बनते हैं। महाराणा जी हाँ बोलो, आप भी समझाइए। ठीक है मैं समझाती हूँ उत्तम। हाँ माँ। चलो जीत को छोड़ दो, यहाँ से मेरे साथ में चलो गुरु पाठशाला, तुम्हारा नाम लिखवा देते हैं और आज दिन से तुम्हें पढ़ाई करने के लिए गुरु पाठशाला जाना होगा। नहीं माँ, तो अगर आप आदेश नहीं देगी तो मैं जा रहा हूँ महल, वहाँ पे करंट छूकर जान दे दूंगा वहाँ। कहाँ क्या बोल रहे हैं? महाराणा जी हाँ बोलिए। मरा तो क्यों दसरवाना होता हूँ। हे भगवान, एक बेटा के लिए मैं कितना परिश्रम किया मैं जानती हूँ। सल्ला सा खर्चा। हे भगवान,
सुनिए ना, आप मेरे बच्चों क्यों नहीं मनाते हैं? महाराणी जी, मेरा बात नहीं मान रहा। कितने वर्षों के बाद अपने महल में एक उत्तम का जन्म हुआ है। हाँ हुआ है। जरा पीछे हट जाइए, अमृत प्रसाद इसका आवाज एक बार और उठाइए। हाल अच्छे हाल अच्छे कत्ता अच्छे करिए बताओ खेलो नहीं छी आवे 10 दिन करते हैं तो ऐसा हाल नहीं होता। रहने दीजिए महाराणी जी। हाँ बोलिए। न जाने कितने वर्षों के बाद अपने महल में एक उत्तम का जन्म हुआ है। बिल्कुल, वो भी जान का के मर जाएंगे। हाँ। ना रहेंगे आप इस पार की, ना रहेंगे आप उस पार की, इससे बड़े उत्तम को आदेश दे दिया जाए। दे दो जंगल आज जाएंगे, कल नहीं आएंगे, परसों आएंगे।